नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ऑनलाइन ड्राइंग। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से सर्किल की हेल्प से इंडिपेंडेंस डे पर यानी 15 अगस्त पर बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बनाना सिखाएंगे। ये हमारी 100% गारंटी है दोस्तों, बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। यहाँ पर हमें एक सर्किल आसानी से बनाना होगा। बीच में आप एक छोटा सा पॉइंट लगा दीजिएगा। पॉइंट लगाने के बाद जस्ट इसी सर्किल के ऊपर के साइड से आप यहाँ पर एक हाफ सर्किल ऐसे बनाइएगा। सेम प्रोसेस आपको इस साइड भी रिपीट करना होगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ से आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद इधर आपको अंदर के साइड में बढ़ाना होगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे अंदर के साइड में बढ़ाइएगा। जस्ट इसी के नीचे ही दोस्तों हमें एक छोटी बड़ी लाइन ड्रॉ करना है और ऊपर के साइड में छोटे छोटे पॉइंट्स लगा देंगे। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा। यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगा दीजिएगा। पॉइंट को लगाने के बाद नीचे ही हमें एक वी लेटर लिखना होगा। इधर भी आप ऐसे एक वी लेटर लिखिएगा। इसको हमें अंदर के साइड में करते हुए डबल करना है। इधर भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। डबल हो जाने के बाद बीच में एक छोटा सा यहाँ पर भी ऐसे पॉइंट लगा लीजिएगा, क्योंकि हमें इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा और इधर ऐसे मिलाना होगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। देखिए कितना आसान है। आप इसको ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भी आसानी से बना सकते हैं। इधर बढ़ाने के बाद जस्ट इसी के अंदर के साइड में यहाँ से ऐसे बढ़ाइएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर भारत माता की जय आप जरूर लिखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा, इसी के नीचे के तरफ हमें बनाना है एक लहराता हुआ तिरंगा बनाना होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ से एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे बाहर के साइड में। इधर से भी ऐसे बाहर की तरफ करिएगा और आपको यहाँ पर भी बढ़ाना होगा। इधर भी बढ़ा दीजिए। फिर इन चारों लाइनों को आपको एक लाइन की हेल्प से ऐसे टच कर देना होगा, यानी कि मिलाना होगा। बीच में आप एक आसानी से दोस्तों सर्किल बना दीजिएगा। सर्किल बनाने के बाद एक छोटा सा पॉइंट लगाइएगा और यहाँ पर हम 24 लाइन काउंट करके आप यहाँ पर ऐसे लाइन को बढ़ा दीजिएगा। अभी हम इसमें लाइनें बना देंगे दोस्तों। ऊपर की तरफ आपको बनाना होगा एक, यहाँ पर हमें बनाना है दोस्तों उड़ता हुआ परिंदा। परिंदा बनाने के लिए पहले तो आपको एक 2 नंबर लिखना होगा। इस तरह 2 नंबर लिखिएगा। इसको हल्का सा अंदर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ हम ऐसे बढ़ाएंगे। यहाँ से ऐसे अंदर के साइड में कर दीजिए। इसको इधर से ऐसे ले जाएंगे, नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा। यहाँ से ऐसे लाइन बढ़ाइए, अंदर की तरफ मिलाइए। छोटा सा वी लेटर, एक छोटा सा पॉइंट लगाइएगा। यहाँ से बढ़ाएंगे अंदर की तरफ, ऐसे पंख बना दीजिएगा। पंख बनाने के बाद नीचे इसके पंजे भी आपको बनाने होंगे। अब दोस्तों, इस पिकॉक यानी राष्ट्रीय पक्षी के जस्ट बीच के साइड में हमें बनाना है राष्ट्रीय पुष्प। देखिए कैसे बनाना, यानी कि हमें बनाना होगा कमल का फूल दोस्तों। यहाँ से आप इधर बढ़ाएंगे, एक आप यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा। सेम हम यहाँ पर भी ऐसे रिपीट करेंगे और छोटा छोटा वी लेटर लिखेंगे। सेम आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना है। यहाँ से इधर ले जाइएगा, एक आपको पंखुड़ी इधर बनाना होगा। सेम आप यहाँ से भी ऐसे पंखुड़ी बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हम 24 लाइन काउंट करके ड्रॉ कर लेते हैं और आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं।